हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार शर्मा एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पर। LIC की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, यदि आपको कोई पॉलिसी बेचने के लिए कहता है या फिर आपको पॉलिसी खरीदने के लिए कहता है या फिर वो कहता है कि आपको जो आपकी LIC की पॉलिसी आपने ली हुई है उसकी सारी जानकारी आपको देगा, आपको कुछ भी पूछना है तो उसके बारे में आपको बताएगा, आपकी पॉलिसी का कितना पैसा आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सारी जानकारी आपको देगा, तो आप अलर्ट हो जाइए। क्योंकि LIC की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि इस तरीके से हजारों लोग अपना बहुत सारा पैसा अभी तक गंवा चुके हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बहुत ज़रूरी जानकारियां देने वाले हैं, यदि आप इस वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं तो आपको भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि आपको यदि आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया या फिर किसी आपके जानकार के साथ इस तरीके का कोई LIC पॉलिसी का फ्रॉड हो गया है तो आपको कहां पर शिकायत करनी है, किस नंबर पर आपको कॉल करना है, कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है, इस सारी जानकारी इस वीडियो के आखिर में आपको देने वाले, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। यदि आपका कोई सुझाव हो इस वीडियो को लेकर तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी जानकारी आपको जरूर दे दें कि इस वीडियो के अंदर उनके बारे में नहीं बताया गया है जो LIC कंपनी के अंदर काम करते हैं, जो LIC के कर्मचारी हैं, उनके जो एजेंट्स हैं, उनके बारे में इसमें नहीं कहा गया है, ना ही LIC कंपनी की तरफ से इस तरीके से कहा गया है। तो यदि कोई LIC कंपनी में कर्मचारी है, LIC का एजेंट है, तो उस पर आप भरोसा कर सकते हैं। ये उनके बारे में बताया गया है इस वीडियो के अंदर जो कि LIC कंपनी के कर्मचारी नहीं है और वो आपके साथ फ्रॉड करते हैं, भोले भाले लोगों को अपने झांसे में लेते हैं और हजारों लोगों की उन्हें चपत लगा देते हैं, उनके बारे में इस वीडियो में बताया गया है। आजकल LIC पॉलिसी के नाम पर बहुत से लोग ठगी कर रहे हैं। ठगी करने वाले दो तरह के लोग होते हैं, एक वो लोग जो आपको पॉलिसी बेचने वाले लोग होते हैं और दूसरी तरीके के जो लोग होते हैं वो आपकी पॉलिसी बेचने के नाम पर आपको आपकी जो पर्सनल जानकारी है उसको जुटाने की कोशिश करते हैं। जो इस तरीके का फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं उनको ये पता होता है कि यदि वो 10 लोगों को कॉल करेंगे तो उनमें से 5-7 भोले भाले लोग ऐसे होंगे जो कि LIC पॉलिसी के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते होंगे, तो अपनी जो भी पर्सनल जानकारी है वो LIC पॉलिसी की जानकारी हासिल करने के लिए वो सामने वाले को ज़रूर दे देंगे, तो यही सोचकर वो उन लोगों को फ़ोन करते हैं। इसी का फ़ायदा ये लोग उठा लेते हैं जो फ्रॉड करने वाले होते हैं। ग्राहक से पूछते हैं कि क्या आपने अपना LIC का प्रीमियम भर दिया है, अगर आप नहीं में जवाब देते हैं तो ये आपसे आपकी जो पॉलिसी होती है उसकी पूरी जानकारी हासिल कर लेते हैं। वहीं कुछ लोग आपको LIC पॉलिसी बेचने की कोशिश करते हैं फ़ोन कर। LIC ने अपने जो ग्राहक हैं, अपने जो कस्टमर्स हैं, उनको ये अलर्ट जारी किया है उनके लिए कि वो इस तरीके के कॉल पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें, उस पर बिल्कुल भी कॉल पर बातचीत ना करें किसी भी तरीके की। इसके अलावा इनको अपनी पॉलिसी से जुड़ी कोई भी जानकारी ना दें किसी भी तरीके की। कई लोग LIC के नाम पर ज़्यादा रिटर्न का लालच भी देते हैं फ़ोन पर, ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में कई लोग इसके झांसे में भी आ जाते हैं। अगर आपको भी कोई इस तरीके का फेक कॉल करता है, आपके साथ कॉल पर फ्रॉड करने की कोशिश करता है या फिर आपके साथ किसी तरीके का फ्रॉड कर दिया गया है तो आप अपनी जो शिकायत है उसको सीधा पुलिस थाने में जाकर दर्ज कराइए। शिकायत की जो कॉपी है, जो कंप्लेंट कॉपी है, उसको LIC की जो यहाँ पर ये ईमेल आईडी दिखाई दे रही है इस पर मेल करिए। जो आपने पुलिस में शिकायत की है उसकी जो कंप्लेंट कॉपी है उस कॉपी को आप यहाँ पर ऊपर जो ईमेल आईडी आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, इस पर इसे सेंड कर दीजिए। आप LIC से इस नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं जो आपको नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से कई लोग इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI का नाम लेकर भी पॉलिसी बेचते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि ये पूरी तरीके से फ्रॉड है, क्योंकि IRDAI इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेचता है, ये इंश्योरेंस कंपनी का रेगुलेटर है। इस तरीके की कोई भी कॉल आपको आती है तो बिल्कुल पूरी तरीके से फेक है। तो यदि आपको भी इस चीज़ की जानकारी नहीं थी या फिर आपके जो संबंधी हैं, आपके जो रिश्तेदार या दोस्त वगैरह हैं, उनके पास इस तरीके का कोई कॉल आता है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, उनको भी अलर्ट कर देना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि उनको भी इस तरीके किसी भी फ्रॉड से बच सकें। LIC से रिलेटेड और ज़्यादा जानकारियों के लिए आप हमारे और भी ज़्यादा वीडियोस देख सकते हैं हमारी LIC की प्लेलिस्ट पर जाकर। हमारी LIC की प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर आप LIC से रिलेटेड और ज़्यादा जानकारियों भी हासिल कर सकते हैं।
यदि वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।